मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी जारी है। मंगलवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर 29 लोकसभा सीट के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर की पहली बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं की यहाँ ईडी और आईटी की छापे पड़वाने का प्लान बना रही है। दिग्विजय ने एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। दिग्विजय सिंह आए थे, मैं पूछ रहा हूँ, दिग्विजय सिंह आए थे? हाँ बताइए क्या ये दिल्ली में है? स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, अभी ऑब्जर्वर्स की बैठक थी, हमने सबसे चर्चा करी है, सबको समझाया है कि उनका क्या दायित्व है, तो ये सब जाके अब एक एक जिले में काम करेंगे, एक एक लोकसभा में काम करेंगे। पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। चलो सर, ये डीएमके के नेता है भैया। भैया भैया सब ठीक हो जाओ, अरे चलिए शांत रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी ने और संगठन के महामंत्री श्री विनोद गोपाल जी ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है और वे चुनाव के नतीजे आने तक वे उन क्षेत्र में हमारे AICC प्रदेश कांग्रेस कमेटी और निचले स्तर तक जो संगठन है उसके साथ काम करेंगे। आज पूरे देश प्रदेश में ये आम राय बन चुकी है, सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। और अब जैसी हमारे पास समाचार पत्रों के माध्यम से आपके माध्यम सूचना आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ईडी आईटी सब लगी हुई है, क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहां पर अगर ईडी आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी कर्मचारियों घर पर छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़, राजस्थान में शासकीय जो सत्ता में है उस पर छापा डाल रहे हैं, ये उनके घबराहट की निशानी है। और हमें जो सूचना मिल रही है, घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में उन घोटालेबाजों के यहाँ, जिनके पास सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली है, उन पर छापा नहीं डालेंगे। जो लोग सत्ता से बाहर हैं और जिन्होंने संघर्ष किया है, उन पर छापे डालने के लिए, दबाव डालने के लिए और उसका हथियार ईडी आईटी का हथियार का डर दिखाने के लिए यहाँ पर ये सारी व्यवस्था की जा रही है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं।
डरे वो जिसने बेईमानी का काम किया हो, जिसने अघोषित संपत्ति इकट्ठी की हो, वो डरे। कांग्रेस ही को डरने वाला नहीं है और इनकी गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले मैं गुजरात से हूं, आनंद चौधरी जी। अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी कैसी रही बैठक, क्या बैठक में एजेंडा था? बहुत आशावादी मीटिंग हुई है और जो प्रभार दिया है सबको, वो अपने जिले में जाके लोकसभा सीट वाइज काम करेंगे और जो एजेंडा रखा है महाघोटाला और सरकार की जो नाकामी रही है वो उजागर करेंगे लोगों के, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरा करेंगे। सर आपको एक फाइल भी जानकारी लेंगे सर, जिला की जानकारी नहीं, वो हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है, तो वो तो काम काम लगेगा तभी आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अच्छी मीटिंग रही और यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, सभी लोग यहीं पर रहेंगे। सर आपको कहाँ की जिम्मेदारी दी गई है? सर मुझे खरगोन की है। आपका सर शुभ नाम बता दीजिए। आनंद चौधरी जी। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद और नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट भी सौंपेंगे? सर सभी होगा, वो राजनीतिक पार्टी जो करती है और चुनाव का जो एजेंडा रहता है वो सब होगा। ठीक है।